जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो स्पीसीज वर्गीकरण की इकाई है। और वर्गीकरण का सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लिवेन हाक ने जीवाणुओं की खोज की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कोलेस्ट्रिडियम बर्टलियम के द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली बीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। और इनकी जड़ों में बीन्स या बीन्स में कौन से हो गए? चना हो गया और मसूर हो गया। इनकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया राइजोबियम नामक होते हैं, जिनके द्वारा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है, इसका अर्थ है तो जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देना। दही दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोलस। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक। दाद भी किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल, इनके बीज की कड़ी भी कहते हैं। लाइकेन वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे स्वच्छ वातावरण होता है, तो ये स्वच्छ वातावरण के इंडिकेटर भी होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। यहाँ पे संपूर्ण साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। और सबसे बड़े बीजांड भी इसी के होते हैं, किसके? साइकस के। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती हैं? तो जूसिया में श्वसन मूल पाए जाते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। निम्नलिखित में से एक जड़ नहीं है, तो आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है? तना है। स्तंभ मूल होते हैं, तो अपस्थानिक जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से है जड़, तो जड़ों में कौन से आ जाएगा? गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सारे जड़ों में आ जाएंगे। प्याज और आलू ये तने में आ जाएंगे। इनका खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। हल्दी के खाने योग्य भाग है प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है तो औसत वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध है? तो क्रस्टेशियंस से। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना और दलहन में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। पराश्रवित तरंगें मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। और पराश्रवित तरंगें किससे निकलती हैं? तो फाइटर जेट से, नहीं फाइटर जेट से अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। पराश्रवित तरंगें निकलती हैं चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ जो होता है वो पराश्रवित तरंगों को निकालता है और वो सामने जाता है, उसके बैक वो तरंगे आती हैं जिससे उसको दिशा की जानकारी होती है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। प्रासवित रंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज एक किलो चीनी का भार कितना होता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा एक किलो चीनी का भार। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ल्यूवेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा क्या होगा? फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही होती है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? तो लालटेन में ये केशकात्व के कारण चढ़ता है, यहाँ पर पृष्ठ तनाव नहीं होगा। केशकात्व के कारण जो है बत्ती में तेल चढ़ता है। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो तूफान को दर्शाता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की आयु कैसी होगी? कमरे की आयु का तापमान बढ़ जाएगा। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 डिग्री तक ठंडा होने में लगेगा 10 मिनट। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य हो सकता है परिणामी मान। पत्थरों से भरी कोई नाव
नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो तली का तल कैसा रहेगा? तली का तल वैसा ही रहेगा। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन में वृद्धि हार्मोन तेजी से वृद्धि होता है? तो एस्ट्रोजन। प्रोलांग भाषा विकसित होती 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन वातावरण में नहीं पाई जाती है। रेडान भी वातावरण में नहीं पाई जाती है। रेडान किसका इंडिकेटर है? तो जब भूकंप आने वाला होता है तो रेडान का उत्सर्जन होता है, इससे पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। तो भूकंप इंडिकेटर भी कौन सी गैस है? रेडान। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? तो क्रोमियम का। विद्युत बलों का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाला तार नहीं चमकता है, इसका कारण है तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होना। अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु ये तीन मुख्य हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज में कोड़ी वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोड़ी वेग कम हो जाएगा। बल का गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? बल। अनुवांशिकता में भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है? तो अनुवांशिकी। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं निर्वात में। ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई के साथ द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों से होने वाली गति का विरोध करते हैं, तो श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो रेत क्या है, एक यौगिक है। व्यंजक चूर्ण क्या है? तो यौगिक। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे प्रदेशों में जल के जमने जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा क्यों रहते हैं? क्योंकि बर्फ के नीचे जल का तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कैसी होगी, अधिक हो जाएगी। विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर आधारित है। बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो कौन सा है? तो न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते? समांतर क्रम में। एक्स किरणें किसकी खोज किसने की थी? रोंजन ने। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ईंट पर नाच से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज को याद कर सकते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कार्नवान, कैरोलस लीनियस थे। अमोनियम क्लोराइड का घोल है कैसा होता है? एसिडिक। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का होता है? तो समान त्वरण का होता है। पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किसकी इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी के रूप में। विद्युत की धारा होती है एम्पियर। कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक? तो वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। पदार्थ की वैसे चार अवस्थाएँ होती हैं, कौन कौन सी? द्रव, ठोस, गैस और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता क्या कहलाती है? तो डायोप्टर। जीव वनस्पति विज्ञान में के अध्ययन जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका? जीवाश्मों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण की ध्वनि को। विद्युत चुम्बकीय तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। एक इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीवद्रव के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? तो टिश्यू कल्चर। परमाणु निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव।
पर कार्य करता है। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो दाब विद्युत प्रभाव से। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। धूप के चश्मे किस कांच के बने होते हैं? तो क्रूक्स कांच के। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल के द्वारा। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG के द्वारा। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी फुल फॉर्म होता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपेनोसोमा के नाम से, जो कि ट्रिपेनोसोमा क्या है, एक कोश की जीव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपैदिक। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज ही फ्रक्टोज शर्करा फलों में भी पाई जाती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है लोह की, आयरन की। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। और सर्वग्राही होता है? AB। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। निम्नलिखित में से लोहे का अंश सबसे अधिक किसमें होता है? तो हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है तो उनके पुत्रों का पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जल से। तो कितना परसेंट जल होता है हमारे शरीर में? तो 70-80%। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना खाते समय खाना कम समय में तैयार हो जाता है तो किस कारण? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इससे खाना जल्दी बन जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि वहाँ पे किसकी O2 की कमी होती है। सिरका का रासायनिक नाम एथनोइक एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी अश्रु धातु है? तो क्लोरोपिक्रिन एक अश्रु धातु है, जिसका प्रयोग कहाँ पे, जब धरना प्रदर्शन वगैरह या कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो नहीं हट रही है तो उसके लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब पर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो 20 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। एड्स का क्या नाम है, तो क्या कारण है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। एड्स बीमारी में T4 लिम्फोसाइट की बहुत अधिक क्षति होती है जिससे उनकी कमी हो जाती है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स वायरस क्या है, तो एक सूची RNA सिंगल RNA होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की। लाल सागर का लाल रंग में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवालों की उपस्थिति के कारण। तो नास्टाक और एनावीना नामक जो है शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं जिससे उसका रंग लाल हो जाता है। गलकंड रोग या घेंघा रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। किस शैवाल से आयोडीन को निकाला जाता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन की खोज की थी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे होता है, मूंगफली का। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते ही कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर की सहायता से। भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेनडियर की के मिल्क में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। गरीबों की गाय को किस नाम से जानते हैं? तो बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? तो अयन पूर्ण विकसित होते हैं। दुग्ध नलिका उभरी हुई होती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु कौन सा है? तो पश्मीना पशु। पश्मीना एक बकरी की प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर और पहाड़ी वाले इलाकों में पाई जाती हैं। इससे पश्मीना ऊन मिलती है। इसी से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, साल और स्वेटर वगैरह बनते हैं। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया किससे होता है? तो एनाफिलीज के काटने से। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जानते हैं? तो आरिडिया को जेली फिश के नाम से जानते हैं। किसके अधपके मांस को खाने से फीता क्रमी मनुष्य की आंत में हो सकता है? तो शुगर का मांस खाने से। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। वह किससे जो है देखता है या महसूस करता है? तो उसे दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आंखें नहीं होती हैं। वह किसी चीज़ को महसूस करता है? तो स्किन के द्वारा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिडियम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का। निम्नलिखित में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। डेंगू किसके कारण होता है? तो इंडीज मच्छर के काटने से। सबसे विषैली छिपकली कौन सी है? मछली छिपकली होती है सबसे विषैली, तो हीलोडर्मा मछली छिपकली सबसे विषैली होती है। और मछलियों की बात करें तो सबसे विषैली मछली है स्टोन फिश होती है। यहाँ पे पाषाण मछली का नाम दिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है? तो किंग कोबरा। पावा क्रिस्टेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी नीली व्हेल को कहते हैं। जलीय में अवस्थली की बात करें तो अफ्रीकन हाथी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी होता है हेमिंगबर्ड, और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशकात जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में नहीं मापी जाती कौन सा है? तो एक्जेनोमीटर। अग्नि निर्जा रोग किससे होता है? तो सेब से। लाइकेन में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कुनेन प्राप्त होती सिंकोना से। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्म। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूर पोष। आम पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मिंगीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया एक नर युग्म और एक अंडाणु के संयोजन से निषेचन क्रिया होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्कों या किडनीज में। सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार है किस क्षेत्र में है? तो खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन करना। डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा भारी धातु है? तो ऑस्मियम एक भारी धातु है। निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं CO2। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में। अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जो लोग बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो बकरी और भेड़। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता के क्या हो जाएगा? किस पे संकट आएगा? द्वितीयक उपभोक्ताओं पर। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवों में। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? तो आरु, जो कि जांघ की। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्व विकिरण उत्तम मापी से। इंद्रधनुष का बनने का कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के परावर्तन के द्वारा जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोहेलियोमीटर के द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक क्या कहलाते हैं? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तरंग का वेग आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध है? तो v बराबर n लैम्डा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम संभव ताप है। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊर्जा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल का विशिष्ट ऊर्जा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त विकिरण का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप के संरक्षण का। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। आम का वनस्पतिक नाम मैंगिफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण पाया प्राप्त होता है किससे? तो जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है? वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ठंडा पानी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान से, जो हवाई जहाज हैं उनके द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अस्त होते सूर्य पर लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। कौन सा एक कूट फल है? तो सेब एक कूट फल है। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा जो है सूर्य मिलकर बना होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। हल्दी का खाने योग्य भाग है प्रकंद, और तना आलू रूपांतरित तना है। रिपीट हुआ है प्रश्न। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। क्षोभ मंडल पर किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तिश्रादा बोर्ड ने। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, या कथन किसका है? तो न्यूटन का। न्यूक्लियन नामक सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियन शब्द प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन एक है ध्वनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री का संबंध है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्षों का लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष के जीवन का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। बॉक्साइड किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइड। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। और गन मेटल
किसका है? इसके है तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाषणिक गंध किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल का एक प्रकार है मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त एक कोलाइड नहीं है। पनीर निम्न का उदाहरण है तो जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगाकर मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? आयोडीन। कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। क्या जल से हल्का होता है? कौन जल से हल्का होता है? तो सोडियम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ साथ मरकरी भी भरी होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनन ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की। मानव गुर्दे का प्रयोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से मानव के गुर्दे का रोग होता है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम कहलाता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण, सिट्रिक एसिड। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन प्रक्रिया के स्वरूप। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है किण्वन के रूप में? तो साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी का। 1.25 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 0.575, मतलब व्यक्ति की लंबाई का आधा। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीजों से। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? तो सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र हो गया है। धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा है? खैरा रोग, जो विषाणु के कारण होता है। जीवद्रव्य का भौतिक आधार है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? तो लैमार्क ने। रेगिस्तान में होने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो जीरोफाइट्स। ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किसके संचार से आती है? तो विकिरण माध्यम से। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। मैनोमीटर किसकी माप करता है? तो गैसों की के दाब की माप करता है। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाते हैं? तो एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण किस करने वाली धातु है? पैलेडियम। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव। धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो ताम्र। तारे अपनी ऊर्जा का किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना कहलाता है ऑक्सीकरण। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेल मछली। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। देसी घी की सुगंध क्यों आती है? तो डाइएसिटिल एसिड के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किए थे? तो जेएल बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्यता होती है मीथेन। दूध की शुद्धता माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम। भूपपर्टी पर सबसे पहले पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद में आयरन। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था? तो कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता किसकी होती है? तो तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है तो जानवरों में सबसे अधिक बाघ की होती है। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक हैं सोल्स। सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहते हैं सिरका को? तो एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का। ध्वनि की तरंगे की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पर से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा तेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है।
समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसमन विधि द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टॉटरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस जंतु के आकृति पैर की चप्पल के समान होते हैं? तो पैरामीशियम के। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं, क्योंकि वो किसके माध्यम से आँखों का कार्य करता है? तो अपनी त्वचा के माध्यम से। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चावल। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण कौन है? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा हो जाना किण्वन का उदाहरण है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए? तो फिर से रिपीट हुआ, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उड़ने वाली छिपकली कहलाती है डेक्रो। एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंग के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं, तब उस समय स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी और उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरी डोसाल के द्वारा। जल में पनपने वाले पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन मिलते हैं मालाबार क्षेत्र में। एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्जन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है, यहाँ पे पोटेशियम दिया है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलानोलॉजी कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में कौन में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो न्यू कैंसल। और भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का झरिया। किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की। मनुष्य में 20 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। भारत कार्बन का सर्वाधिक सूक्ष्म रूप है हीरा। और हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ भी क्या है? पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। निम्नलिखित में से किस से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि है। BCG का टीका किस बीमारी में के बचाव के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए, जिसे TB रोग भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत कौन है? तो जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है? तो पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार की निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। नेत्र में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो रेटिना का। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। और सबसे मजबूत हड्डी भी मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग दांत का इनेमल होता है। सीटोसिन की। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी। किस प्रकार द्रव से एकत्रित होने वाली मांसपेशियों का थकान अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो थकान महसूस होती है। स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा में चुंबकीय प्रोत्साहन और दूरीमति के लिए।
में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग। किसी झील की तली से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा, कणों के दो धन आवेश होते हैं। द्रव्यमान का किसके बराबर होता है? तो 310 के बराबर। केल्विन मात्र के मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर। इंजन का प्रयोग होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रकाश की चाल होती है? तो 3×10^8 है मीटर पर सेकेंड। सदिश राशि वेग है। एक प्रसिद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई 135 डिग्री पर होगी। 135 डिग्री घूमने के बाद में समय क्या होगा? तो 7:30। खगोलीय मात्रक की दूरी क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किसके माप के द्वारा मापी जाती है? तो खगोलीय दूरी के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? तो आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर? तो रेगीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। निम्नलिखित में से वर्गीकी का पितामह कहते हैं कारण कैरोलस लीनियस को। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। किसके द्वारा अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो वाटसन एवं क्रिक को। सूर्य प्राप्त होता है सौर ऊर्जा से। ये वाला रिपीट पेज है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।